का सौधन और आप देख रहे हैं TV24। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक रैली के दौरान कुछ अजीब ही नजारा देखने को मिला। फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में बेकाबू भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। इस कारण दोनों नेता बिना बोले वहां से निकल गए। जानकारी के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेड्स तोड़कर मंच तक पहुंचने लगे। भगदड़ में कई लोग भी जख्मी हुए हैं। भगदड़ की वजह से मीडिया कर्मी के कैमरे का स्टैंड भी टूट गया। हंगामे के चलते बिना भाषण के ही राहुल और अखिलेश वापस निकल गए। अव्यवस्था के कारण फूलपुर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि राहुल अखिलेश की साझा रैली फूलपुर के पंडीला में होनी थी, मगर इस घटना के कारण दोनों नेताओं ने रैली को पूरा संबोधन भी नहीं किया। बता दें कि इलाहाबाद में कांग्रेस तो फूलपुर में सपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दोनों के समर्थन में ये साझा रैली का आयोजन किया गया था। दोनों नेता सपा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन इस रैली में भगदड़ मच गई। इस कारण वो दोनों नेता बिना कुछ बोले निकल गए। इसके बाद राहुल और अखिलेश की साझा रैली प्रयागराज के मुंगारी में हुई। मुंगारी में दोनों नेताओं ने कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह के समर्थन में साझा रैली को संबोधित किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सब हम हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।